पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, एनजे जीव को लेते हैं, बड़ी देर से बैठे हैं। हाँ जी सर जी, आदाब है सर जी। जी कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। गालिब भाई ने तो रेसिज्म का पूरा, नेक्स्ट टाइम मैं भी लड़की का नाम रख के आऊंगा। चले मेकर से करके मेकर से करके या वो सेम गांधी साहब वाला मेकअप करके आऊंगा मैं इस्लाम के ऊपर। या आई कैन मतलब कि आपको मैं सुनता रहता हूँ आपकी जो आपको बड़ी शानदार दाढ़ी कटानी पड़ेगी वैसे। संडे को जो स्ट्रीम करते हैं आप, लव लेटर्स पढ़ते हैं, तो मैसेज में आपको सुनता रहता हूँ कि हमें आगे आना चाहिए, स्पेशली अगर हम वेस्ट पे रहते हैं। तो अभी मतलब कि आप तो पॉइनियर्स हैं, हम भी अंदर खाते जो है जितना काम हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। और वो फीलिंग जो है वो मैंने भी चेक किया, जब तीन बंदे जो हैं वो इस्लाम का दायरा, जो रिलीजन का दायरा है वो छोड़ गए हैं, तो मैंने कहा मैं भी आऊं। और कड़ाका तो पड़ता नहीं है तो आगे आना चाहिए। तो मुझे आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि वाकई जितना काम हमसे हो सकता है और हमें आगे आना चाहिए और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे पता आपका नाम मैं अक्सर देखता हूँ, हमारी चैट में आता रहता है, इंग्लिश के चैट में ज़्यादा होता है। एंड आई नो यू बीन अ गुड सपोर्टर एज वेल, बड़े अच्छे से सपोर्ट भी हमें करते रहते हैं, सुपर चैट्स वगैरह भी भेजते हैं। और यू नो इफ यू आर अ ग्रोन अप मैन, लाइक यू लुक लाइक अ यू नो यू आर फुली ग्रोन मैन और आप वेस्ट में अगर रहते हैं तो ये इससे बड़ा फायदा होगा। बट लेकिन ये इसको कोई ऐसा डिसीजन नहीं जो आपने लेना हो। अब एक बंदा था जो शक्ल दिखा के बात करता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, तो वो भी ही रिट्रैक्टेड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एंड यू प्रोबब्ली नो मेरे नेबरहुड में ही मेरा ख्याल आने लग जाता है, नॉट टू फार फ्रॉम मी। हाँ तो चले जहां भी तो ये ऐसी चीज है। और मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ कि नॉट ऑन इज डिसअपॉइंटेड एट हिम, लेकिन मैं अफसोस ये हुआ कि हम अभी भी आगे शक्ल दिखा के बात नहीं कर पाते। क्यों? यानी कितनी देर तक ये काम में, अब हमें जो इंडिया से एक्स मुस्लिम आए वो भी बेचारे, उधर भी चलो उधर तो फिर कोई वजह है कि वहां पे भी अपने मोमिनींस जज्बाती हो सकते हैं, और एक के साथ उन्होंने कोशिश की उसकी इंफॉर्मेशन लीक करने के बाद, पर वो लगा हुआ शेर का बच्चा, ठीक है अच्छी बात है लगा रहा है। तो ये रिस्क है, नॉट एवरीवन हैज टू यू नो, आई वुड से कि एज एन एथियस्ट यू देयर इज नथिंग, योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योरसेल्फ, लेकिन वेस्ट में मेरा ख्याल से कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है इन 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 द वेस्ट। इफ यू लिव इन अ डिसेंट नेबरहुड, इफ यू टेक केयर ऑफ योर यू नो आईडी डॉक्यूमेंट्स और अपना नाम को भी, बल्कि आपने जैसे एनजे जी का है, अगर मैं किसी को मशवरा दूंगा मैं कहूँगा नाम अपना वही रखना, यानी कोई पेन नेम रखना आप, तो उस पे आपको क्या कोई ट्रेस करेगा कड़े जेम्स बॉन्ड के बच्चे, और उतने कोई रिसोर्सेज और जितने ज्यादा होंगे उतना हमारे हम ये जो चैनल जो टारगेट है ना वो दे विल बी डिवाइडेड। सो दैट्स गुड टू नो कि आप अगर ऐसा काम करना चाहते हैं भी, क्योंकि आप हमें बड़े अरसे से सुन रहे हैं, सो आई एम श्योर एवरेज आई क्यू जो एक एक्स मुस्लिम या एथियस का होता है ना वो एक एवरेज सुनने से बहुत ऊपर होता है। आई से दैट ऑल द टाइम, सो या वर्क मोर पावर टू यू। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग भी जब सपोर्ट शो करते हैं तो हमें भी हिम्मत मिलती है। ये अभी जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर मैं अपनी छोटी मोटी एक्टिविज्म चलाए रखता हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्लान है वो जैसे हारिस हमेशा कहता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी और ये 10,000 से 20,000 जो चैनल खुलेंगे। और मैं मतलब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं जल्दी में कि मेरा इल्हाद का जो सफर है वो तो खैर बहुत पुराना है, मैं 2000 या 2001 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जो इल्हाद का टीका जो है
یہ مجھے میرے خیال 3 سال پہلے لگا ہے, اور اس ٹیکے کی وجہ سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں اب کھل کے اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہوں, تو مجھے کچھ 4 سال ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ حارث کی بدولت ہے, غالب کو میں نے تھوڑا بعد میں سننا شروع کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ حارث کی بدولت ہے. تو الحاد کا سفر تو پرانا تھا, لیکن میں وہی مومنوں کی طرح جو ہے وہ اندر کھاتے جو ہے وہ رہتا تھا, لیکن جب سے ٹیکا لگا ہے اور وہ صحیح وہ ٹائٹل جو ہے وہ فٹ پڑتا ہے میرے اوپر, کہ پھر میں نے کہا کہ نہیں اب اب آن دیو اب کڑاکا مارے آپ. تو یہ سو 4 ایئرس, تو ابھی میں کھل کے ہوں, فیملی کو بھی پتا ہے, اور مطلب کہ وہ جن شخص کی آپ بات کر رہے تھے ان کا بھی میں ایسا کوئی مسئلہ ہوگا, لیکن میرا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے وہ اپنے سارے جو شپس ہیں یا ٹرکس ہیں وہ جلا دیے ہیں, اور ابھی جو ہے وہ فیوچر میں میرا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یوٹیوب کی طرف جانے کا ہے, اور کریٹو ایک آئیڈیا ہے میرے پاس, بعد میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. مور پاور ٹو دی کمیونٹی. ویری گڈ, بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو, اور گڈ لک یو, اور آپ یو اسٹے ان ٹچ ود می. آپ میرا خیال میرے پیٹرن ہے یا نہیں؟ آئی تھنک آپ دونوں کا پیٹرن ہوں. اچھا اچھا, اچھی بات ہے. سو میں کافی عرصے سے ہوں, اور غالب بھائی کا تھوڑے عرصے سے ہوں. ہمارے لیے, میں نے یہ آپ کو اکثر آپ نے سنا ہوا ہے کہ میں, میری بڑی خواہش ہے کہ زیادہ لوگ آئیں اور زیادہ لوگ ایکٹیوسٹ بنے, اور یہی ہماری جو اگر ہم کسی کو انسپائر کر سکتے ہیں, اور جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک سائلنٹ ریولوشن آ رہا ہے جو ان سب کو پتا چل رہا ہے, تو یہ کتنوں کے پر کاٹیں گے. تو anyway, بہت شکریہ آنے کا, stay in touch, thank you. Thank you جی. Okay جی. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پال یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.